ईश्वर को जानने समझने के कई उपाय हैं। अंतिम उपाय तो उसका साक्षात्कार प्रत्यक्ष है लेकिन साक्षात्कार के लिए साधना करनी होती है ईश्वर को स्वीकार करके और फिर अनुसंधान करना होता है जिनका ईश्वर का ही निश्चय नहीं हो पाता वो उस मार्ग पर चल भी नहीं सकते हैं। तो प्रत्यक्ष से ईश्वर का पूरा ज्ञान होगा किंतु प्रत्यक्ष के लिए भी हमें ईश्वर के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी हमें शास्त्रों से भी मिलती है प्रवचनों से मिलती है और विचार विमर्श से भी मिलती है तर्क युक्ति से संभावना से अनुमान प्रमाण से आपस की संगति से ये भी ईश्वर के विषय में हमारे ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए और दृढ़ करने के लिए आवश्यक होता है एक तरह से ये मनन का भाग है हमने ईश्वर के बारे में जो सुना जो पढ़ा अब ये उसका मनन करने की प्रक्रिया है भले ही यहां मैं बोलता हूं आपके प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देता हूं लेकिन ये वो प्रक्रिया है जो मनन की प्रक्रिया होती है व्यक्ति अकेला भी कर सकता है कि किसी वस्तु विशेष के बारे में जो हमने जाना है उसको समझने का प्रयास करना उसकी परस्पर संगति लगाना और जो हमने जाना है वो परस्पर विरुद्ध है यदि तो उसमें विचार करना कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक हो सकता है किसके ठीक होने की संभावना अधिक है ये चिंतन मनन का भाग है तो श्रवण मनन दिथ्यासन और साक्षात्कार की प्रक्रिया चलती है उसमें ये एक तरह का मनन ही है मिलकर के हम अनेक जने मिल करके मनन कर रहे हैं कुछ जो भी बात मैं बोलता बोल रहा हूं वो उस तरह की है जैसे कि मनन के समय हम बोलते हैं विचार करते हैं तो शास्त्रों को पढ़ करके जैसे विचार किया जाता है अकेला व्यक्ति भी जैसे विचार करता है कैसे कैसे प्रश्न उठ सकते हैं कैसी कैसी आशंकाएं हो सकती हैं उनके क्या समाधान होंगे क्या हो सकते हैं ये सब हमें निर्धारित करना होता है यदि ईश्वर के विषय में बहुत सारे प्रश्न रहे और बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रहें बहुत सारी बातें परस्पर विरुद्ध हमें प्रतीत होती रहे तो ईश्वर के विषय में निश्चय नहीं हो पाएगा हम उलझ के रह जाएंगे और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था में कमी का एक कारण यही रहता है कि हम बहुत तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं और परस्पर विपरीत होती है कुछ हमारे को जस्ती नहीं है लेकिन कुछ रास्ता भी नहीं निकलता कि क्या करें इसको माने ना माने ये सही है गलत है हम निर्णय नहीं कर पाते तो ऐसे स्थलों पर कैसे हम निर्णय करते हैं क्या हमारे निर्णय का तरीका होता है हम कैसे निश्चय तक पहुंचे और एक संगत स्वरूप परमात्मा का अविरुद्ध परस्पर अविरुद्ध स्वरूप हमारे सामने आ सके वो ये एक हम प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपके जो प्रश्न हैं उनको कुछ लेता हूं तो ब्रह्मचारी मदन जी का प्रश्न है कि मनुष्य तो अल्पज्ञ है सर्वज्ञ तो वो ही परमेश्वर है जैसा अभी पीछे हमारी चर्चा हुई तो प्रश्न आगे है कि महाभारत के समय संजय धृतराष्ट्र द्रित्रा, को कुरुक्षेत्र की घटना को जैसा का तैसे कैसे बता रहे थे क्या उस समय उनके पास कोई ऐसे नेत्र था जिससे वह जो चाहे वह देखकर बता सकते थे तो प्रश्न इस रूप में है कि मनुष्य तो अल्पज्य है और संजय भी मनुष्य ही थे अल्पज्य थे तो वो दूर की चीज बैठे बैठे बता देते थे ये तो एक तरह से वैसे हो गया जैसे कि कोई सर्वज्ञ हो गया हो तो परमात्मा तो जान सकता है मनुष्य तो नहीं जान सकता तो संजय इसको बताते थे तो भी वो सर्वज्ञ तो नहीं थे सब कुछ जानते हो ऐसा नहीं है उनके पास में ऐसी क्षमता थी साधन थे कि वो एक जगह बैठे बैठे भी दूसरी जगह की जान लेते थे वो योग की सिद्धियों के माध्यम से हो या स्वभाव था उनसे जन्म से ही उनके अंदर ऐसी क्षमता हो सामर्थ्य हो कि दूर देश की बात भी वो जान लेते हो अथवा कोई आजकल के दूरदर्शन की तरह से कोई यंत्र या उपकरण सुविधा हो जिसके जिसके आधार पर वो उनको बता देते हो जो भी हो लेकिन वो उतनी स्तर पर उनकी क्षमता थी जो कि सामान्य व्यक्ति की नहीं होती है लेकिन इससे वो सर्वज्ञ नहीं हो जाते आत्मा तो अल्पज्ञ ही है कितना भी जान ले बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी अल्पज्ञ ही होता है ईश्वर की तुलना में ईश्वर की दृष्टि से और वैज्ञानिक भी स्वयं इस बात को कहते हैं जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो कभी इस घमंड में नहीं आते कि मैं बहुत जानता हूं हाँ जो नया नया विद्यार्थी है दसवीं पढ़ता है बारहवीं पढ़ता है बी एस करता है एमएससी करता है उसको लगता है कि मैंने बहुत जान लिया बहुत पढ़ लिया और कितना मैं जानने लग गया कुछ भी नहीं जानता था जैसे मैंने सब कुछ जान लिया है ये उन लोगों के अंदर होता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे कितना नहीं पता है कितना क्षेत्र मेरे लिए अज्जे है अज्ञात है ये उनको पता नहीं होता प्रारंभिक लोगों को इसलिए उन्हें ये प्रती होती है जैसे कि मैं बहुत जानता हूं लगभग सारा जान लिया है मैंने लेकिन जो जितना बड़ा वैज्ञानिक होता है वो कितना भी अधिक जानता हो उसे ये अधिक पता होता है कि मैं कितना नहीं जानता हूं उसको अपनी सीमाएं पता होती है इसके आगे मेरे को पता ही नहीं है इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है ही नहीं कोई भी नहीं जानता है आज तक अनुसंधान ही नहीं हुआ हम जानते ही नहीं है लेकिन चीजें हो रही हैं कैसे हो रही हैं तो वैज्ञानिक जहां बहुत अधिक जानते हैं और हमारी तुलना में बहुत अधिक जानते हैं हमें यह लगेगा जैसे कि ये सब कुछ जानते हैं लेकिन वो इस बात को स्वयं अनुभव करते हैं कि हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं इस संसार में जान तो अनंत है समुद्र के सामने एक बूंद की तरह से मैं कुछ जानता हूं बाकी यथा समुद्र पड़ा है जिसका पता ही नहीं है हमें तो संजय हो या और कोई वैज्ञानिक हो कोई भी हो मनुष्य तो अल्पज्ञ ही रहेगा परमात्मा ही सर्वज्ज है हम सब मनुष्य मिलकर के भी जितने भी इस पृथ्वी के और पूरे लोकलोकांतरों के सब मनुष्य मिलकर के भी उतना नहीं जान सकते जितना कि एक परमात्मा जानता है सर्वज्ञ जानता है जैसे कि दसवीं कक्षा के बच्चे हों विज्ञान भी पढ़े हुए हो वो सब मिलकर के जितना भी जानते हो लगभग एक ही जैसा जानते हैं थोड़ा बहुत अंतर होगा वो चाहे एक हजार हो चाहे एक करोड़ हो दसवीं कक्षा पास और एक एमएससी किया हुआ उससे ज्यादा नहीं जानते वो उस एक से भी ज्यादा नहीं जानते वो चाहे एक करोड़ दसवीं पास हो उनका स्तर ही वो रहता है उसी स्तर की चीजें वो जानते हैं एक वैज्ञानिक से अधिक करोड़ों लोग नहीं जानते तो ऐसे ही परमात्मा तो सर्वज्ञ है और हम सब मनुष्य मिलकर के भी वो सब नहीं जान सकते जो परमात्मा जानता है इसलिए मनुष्य कितना भी महान हो चाहे संजय हो या और कोई हो वो अल्पज्ञ तो रहेंगे ही उनकी सामर्थ्य ही इतनी है और केवल परमात्मा ही सर्वोच्च रहेंगे आगे रजनीश जी का प्रश्न है कि हमने अनेकों बार सुना है कि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है अर्थात भगवान भी भक्त की भावना को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा निवेदित शुद्ध हृदय द्वारा प्रार्थनाओं के अनुसार फल देता है तो यह भावना से कहा गया वाक्य है कि भक्त भगवान के अधीन होता है वैसे हम सब परमात्मा के अनुशासन में हैं कोई भी आत्मा हो छोटे बड़े सभी जीव और मनुष्य भी परमात्मा के अधीन ही हैं हम परमात्मा के नियमों का ही पालन करते हैं और विपरीत जाते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना होता है अनुकूल जाते हैं तो हमें उसके नियम के अनुसार उन्नति या अच्छे फल मिल जाते हैं होता परमात्मा की व्यवस्था से ही है जितने भी वैज्ञानिक हैं जितनी भी खोजें होती हैं वो सारा परमात्मा और प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित है उसके अंतर्गत ही तो होती हैं उससे बाहर नहीं जा सकते जो चल रहा है उसी को वो जानते हैं उसी के अनुसार वो अपने नियमों को बनाते हैं उनके यंत्र ऐसे होते हैं जैसे प्रकृति में नियम है उसके अनुरूप यंत्र बना लिए जाते हैं उसका लाभ उठाते हैं उसके विपरीत जाकर के कभी नहीं होता है और जहां कुछ थोड़ा बहुत विपरीत जाते भी हैं जो संतुलन होना चाहिए उसको बिगाड़ते हैं तो उसकी हानियां भी होती हैं हमारे को तो ये एक भावना का कथन है कि परमात्मा भगवान भक्त के अधीन होता है जिसके लिए इन्होंने आगे लिखा कि शुद्ध हृदय से जो प्रार्थना होती है उसके अनुसार वो फल देता है ये एक अंश में ठीक है कि जब शुद्ध हृदय वाला जो प्रार्थना करता है परमात्मा उस प्रार्थना को पूरा करता है मात्र शुद्ध हृदय से ही नहीं होता है यदि उस व्यक्ति का वैसा कर्माशय भी हो इतने पुण्य कर रखे हो और अब वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को ये फल चाहिए तो उस कर्माशय के अनुरूप परमात्मा उस भक्त की इच्छा के अनुरूप फल दे देते है। इच्छा और कर्माशय दोनों का तालमेल होगा तो मिल जाएगा इच्छा कर रहे हैं और कर्माशय नहीं है तो नहीं मिलेगा इतना हमारा कर्माशय पुण्य कर्माशय होना चाहिए कि जो हम बड़ी बड़ी इच्छाएं कर रहे हैं कामनाएं कर रहे हैं प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो पूरी हो नहीं तो नहीं होंगी इच्छाओं के अनुसार परमात्मा हमारी पूर्ति करता है उसका वेद मंत्र भी आता है यत कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु जिस कामना वाले होके हम आपकी प्रार्थना करें वांछा करें वह वह कामना हमारी पूर्ण होवे जिससे हम लोग परमेश्वरी के स्वामी बने एक तरफ परमात्मा की न्याय व्यवस्था भी है वो कर्म के अनुसार भी देता है वो एक सिद्धांत है न्याय परमात्मा न्यायकारी है न्याय के अनुसार व्यवस्था चल रही है ये हमें मानना ही होता है अन्याय नहीं मान सकते और दूसरी तरफ प्रार्थना के अनुसार फल दे देता है ये भी कथन मिलता है यदि इनको स्वतंत्र देख लें तो परस्पर विरोध आएगा यदि जो कामना करें वो फल दे देगा कर्माशय हो या ना हो तो फिर न्याय व्यवस्था भंग होती है और दूसरी तरफ लोग सोचते हैं कि जब हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है तो फिर प्रार्थना से क्या हो रहा है फल तो जो कर्माशय के अनुसार मिलना है वो ही मिलना है तो प्रार्थना से अतिरिक्त क्या हुआ तो प्रार्थना को व्यर्थ समझते हैं दोनों से होता है जैसे कि किसी प्रतियोगिता में भाग ले कोई और विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश होता है तो प्रवेश एक तो उनकी योग्यता क्रम सूची जो मेरिट होती है उसके अनुसार होता है किसको कौन सा महाविद्यालय मिलेगा मान लो इंजीनियरिंग के हैं बहुत सारे विद्यालय हैं आईआईटी भी हैं उससे नीचे वाले भी हैं रीजनल कॉलेज हैं राज्य के हैं और वो भी अलग अलग हैं तो उसमें संस्थाओं का चयन होता है और एक एक महाविद्यालय में भी विषयों का चयन होता है आपको कौन सी शाखा में जाना है आपको आई में जाना है आपको मैकेनिक में जाना है आपको केमिस्ट्री में जाना है रसायन विज्ञान में जाना है किस में जाना है सिविल में जाना है ये अलग अलग वहां पर विषय होते हैं तो वहां एक काम होता है इच्छा भी चलती है लेकिन वो क्या अपने क्रम के अनुसार इच्छा चलती है मेरिट कम चॉइस या चॉइस कम मेरिट जो भी बोलते हैं उसको दोनों साथ में चलते हैं हमारी इच्छा के अनुसार मिलेगा लेकिन इच्छा के अनुसार यही नहीं कि कुछ भी मिल जाएगा जितनी जगह हमारे से ऊपर वालों की भर चुकी है उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें हमारी इच्छा के अनुसार मिलेगा जो जितना ऊपर होगा उसकी अपनी पूरी इच्छा हो जाएगी तो जैसे यहाँ पर इच्छा और हमारा क्रम मेरिट और चॉइस दोनों मिलकर के एक तालमेल बनता है केवल मेरिट के आधार पर देने लग जाए सबसे अच्छे वाले को सबसे अच्छी जगह दे दें उसको वो घर से दूर पड़ता है वो वहां जाना ही नहीं चाहता है तो भी संगत नहीं है उसके घर के पास में जो है वो वहां रहना चाहता है तो इच्छा भी चाहिए और मेरिट हमारी योग्यता भी चाहिए तो कर्माशय और इच्छा दोनों काम करती हैं इच्छा तो हम करते ही रहते हैं बहुत इच्छाएं है करते हैं कितनी पूरी होती है हमारी खूब लग करके भी करते हैं रो रो करके भी करते हैं तड़पते हैं परमात्मा से कितनी प्रार्थनाएं करते हैं कितनी मनोतियां मानते हैं उन लोगों की इच्छा है कि आप कम समझेंगे जो इतनी दूर की यात्रा घुटने के बल कर रहे हैं नंगे पांव कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं दंडवत करते हुए कर रहे हैं कितना कष्ट होता है कई कई दिन घंटों लगा देते हैं पीड़ा हो रही है खून निकल रहा है छिल रहे तो भी चले जा रहे हैं ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता इतनी करके भी सबकी पूरी नहीं होती है ना तो इच्छा परमात्मा पूरी करता है लेकिन न्यायकारिता भी उसकी साथ में देखी जाएगी ऐसे ही नहीं करता है एक बात पहले आपके सामने मैंने रखी थी कि परमात्मा के जो स्वरूप हमने निर्धारित किया है समझ करके यदि कोई नया और धर्म स्वभाव हम स्वीकार करते हैं और पिछले वाले से विरोध आ रहा है तो मैं फिर विचार करना चाहिए कि पहले वाला ठीक था या ये ठीक था तो परमात्मा न्यायकारी है इसको तो किसी भी तरह हटाया नहीं जा सकता ये तो बहुत संगत है उचित है और ऐसा ही परमात्मा पूज्य हो सकता है जो न्यायकारी हो इसलिए न्यायकारिता को तो हटा नहीं सकते नहीं तो कर्म फल व्यवस्था भी नहीं रहेगी और परमात्मा फिर एक जैसा नहीं रहेगा सबके लिए किसी को कुछ अपने आप दे रहा है फिर तो तो कर्मानुसार वो फल देता है न्यायकारी है ये तो हट नहीं सकता और साथ में हमें ये भी वर्णन मिलता है प्रार्थना के अनुसार परमात्मा फल देता है जैसी हम प्रार्थना करते हैं तो इन दोनों के बीच में संगति यही लगेगी कि यदि वैसा कर्माशय हमारा है तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को पूरा कर देगा उदाहरण बच्चों का भी ले सकते हैं कि बच्चों ने यदि सौ सौ रुपए का पुरस्कार लिया और उन बच्चों को लेकर के पिताजी माताजी मेले में गए उनको स्वतंत्रता है वो कुछ भी ले सकते हैं क्या चाहिए बोले तुम्हारी जो इच्छा होगी मेले में दे देंगे लेकिन कितने में से देंगे सौ रुपए में से ही देंगे अब कोई बच्चा झूला झूलता है तो झूला झूल ले किसी को गोलगप्पे खाने हैं, किसी को मिठाई खानी है किसी को कपड़ा लेना है किसी को और कुछ करना है किसी को बंदूक चलानी है निशाना लगाना है कुछ भी कर ले तो इच्छा भी है इच्छा के अनुसार भी मिलेगा लेकिन जितना है उसके अंतर्गत आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं ये संगत प्रतीत होता है तो परमात्मा भक्त के अधीन होता है जब ये बात कही जाती है और जिसमें इन्होंने लिखा है कि हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार फल देता है देता है क्योंकि जो सकाम और निष्काम दो कर्म हम स्वीकार करते हैं तो सकाम कर्म का मतलब ही यही होता है कि उसमें हमारी कुछ कामना होती है तो न्याय तो तभी कहलाएगा उचित शासक व्यवस्थापक तभी कहलाएगा जो न्याय तो करता हो लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार करता हो इस सकाम कर्म नाम ही इसलिए है कि कामना के सहित जो कर्म किए जाते हैं उससे जो कर्माशय बनता है वो सकाम कर्म का कर्माशय है इच्छा हमारी कुछ और दे हमारे को कुछ और किसी मजदूर को मजदूरी देनी है हमारे को उसको कुछ चाहिए सामान चाहिए उसको रुपए चाहिए कपड़े खरीदने भोजन खरीदना है हम कह नहीं जी हमारे पास तो गेहूं ज्यादा है हम तो गेहूं ही देंगे हमारे पास इतने सारे फल हैं फल ले जाओ आप तो हम उतने रुपए के फल दे रहे हैं कहेगा तो मैं इस फल का करूंगा क्या कहा बेचूंगा फल खराब हो जाएंगे मेरे लिए उपयोगी नहीं है मेरे लिए की समस्या होगी फल जब दिया जाता है तो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार दिया जाता है अच्छे कर्मों का दंड में तो बाध्य रहते हैं जो बुरे कर्म है वहां हमारी इच्छा नहीं चलेगी उसमें तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से जो मिलना है जो दंड है वो तो वैसा ही मिलना है एक कामना किस में है शुभ कर्मों में और वहां हमारी इच्छा के अनुसार परमात्मा देता है उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि परमात्मा भक्त के अधीन है जैसी वो कामना करता है नहीं तो भक्त और परमात्मा में बहुत अंतर होता है भक्त कितना भी बड़ा हो कितना भी बड़ा हो परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है और सच्चा भक्त कभी भी नहीं चाहेगा कि परमात्मा अपने नियमों का भंग करके और जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा हो जाए मेरे लिए या दूसरों के लिए सच्चा भक्त परमात्मा की भक्ति करता है परमात्मा का भक्त है भक्त का मतलब है वो उसके नियमों को स्वीकार करता है तभी तो वो उस स्थिति में पहुंचा है ऐसे भक्त से हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत कोई बात कह देगा इच्छा कर देगा इसको मार दें, इसकी यह हानि हो जाए या इसको ऐसा हो जाए अगर वो कहेगा तो जो संभव है जो उचित है जो धर्मानुकूल है वो ही कहेगा दूसरा कहेगा ही नहीं वो भक्त का एक लक्षण भी है हाँ किसी को इस तरह का अपने ऊपर विशेष स्वाभिमान हो गर्व हो कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा परमात्मा मेरे वश में है ये व्यक्ति की मान्यता हो सकती है अभिमान हो सकता है किसी को लेकिन संभव नहीं है मेरी दृष्टि मेरे को तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि परमात्मा उसके वशीभूत हो जाएगा और जैसा वो कर, चाहे वो करवा देगा जिसका परमात्मा के प्रति आदर है इस मार्ग पे चल रहा है वो परमात्मा की आज्ञा के विपरीत सोचता भी नहीं है वो करवाने के लिए बाध्य कैसे करेगा परमात्मा को और जो परमात्मा की इच्छा है जो परमात्मा की व्यवस्था है उससे विपरीत जाएगा तो जिसके लिए वो कामना कर रहा है उसके लिए हित थोड़ना होगा अहित ही होगा हित हो नहीं सकता उसके लिए भक्त तो वो होता है जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा समझता है जो परमात्मा के नियम है उसके अनुकूल अपने को चलाता है तो दूसरे के लिए भी जब वो प्रार्थना करेगा वो सदा इस बात का ध्यान रखेगा कि परमात्मा के विधान का भंग नहीं होना चाहिए इसमें अधर्म की वृद्धि नहीं होनी चाहिए धर्म के अनुकूल जो हो सकता है वो सारी कामनाएं प्रार्थनाएं हो सकती हैं तो जिस तरह से लोक में प्रचलित है कि भक्त के अधीन भगवान होता है और जो चाहे वो करवा सकते हैं जैसा कि इन्होंने फिर आगे प्रश्न लिखा है ये तो इन्होंने भूमिका बनाई थी तो शुद्ध हृदय द्वारा प्रार्थनाओं के अनुसार फल देता है तो एक और तो परमात्मा को अजन्मा कहा गया जो पीछे जैसी बात आई थी उसका अवतार नहीं होता और हमने आपके द्वारा यह भी जाना कि प्रत्येक को माता पिता व माता पिता को संतान उनके अपने कर्मफल के अनुसार मिलते हैं एक प्रसंग था न्याय दर्शन में भी आया यहां भी होगा तो जब कोई आत्मा जन्म लेता है तो किसी परिवार में उस आत्मा के भी कर्म होते हैं जिसके अनुरूप वो उस परिवार में आता है उनको वो माता पिता मिलते हैं और माता पिता के भी अपने कर्म होते हैं कि उनके घर में इस तरह के संस्कार वाली या इस तरह के पाप पुण्य वाली आत्मा आई है दोनों का संयोग होता है एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं तब ये व्यवस्था होती है नहीं तो अन्याय होगा परमात्मा का न्याय तो तभी होगा कि बच्चे के साथ भी न्याय हो यानी जो आत्मा आई है और माता पिता के साथ भी न्याय होना चाहिए वो तभी हो सकता है जब दोनों की संगति हो तो परमात्मा इन कर्मानुसार आत्मा को अलग अलग शरीरों में अलग अलग परिवारों में भेजता है उसका ये संकेत कर रहे हैं तो आपने ये कहा था तो उनके अपने कर्मफल के अनुसार मिलते हैं अब इनका प्रश्न आगे है कि तो यदि कोई मातृशक्ति शुद्ध भाव से परमात्मा को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहे तो क्या परमात्मा उसमें गर्भस्थ नहीं होगा दो बातें इन्होंने जोड़ी एक तो भक्त के अधीन होता है तो जो ये कोई माता इस तरह से चाहेगी शुद्ध भाव से तो अधीन होता है परमात्मा तो तो उसको आना पड़ेगा वहां पर, परमात्मा मेरे गर्भ में आए जन्म ले तो आना पड़ेगा एक तो ये और कर्म के अनुसार कि उसने खूब कामना की इच्छा की ये उसका कर्म हो गया तो परमात्मा को आना चाहिए अब तो ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिससे परमात्मा माता के गर्भ में आए विषय पहले आ चुका है कि अवतार हो ही नहीं सकता संभव नहीं है और कल्पना भी करें तो ऐसी कामना कईयों की होगी तो क्या करेगा परमात्मा इस स्तर की बहुत सारी आत्माएं हो इतना तो कर सकते हैं माता पिता कि शुद्ध भाव से कि हमारे अंदर परिवार में ऐसी श्रेष्ठ आत्मा आए पवित्र आत्मा आए योगी आत्मा आए विद्वान आत्मा आए सदाचारी आए देशभक्त आए समाज सुधारक आए वैज्ञानिक है ये कामना माता पिता कर सकते हैं और उनके कर्म अगर वैसे हुए तो वैसी आत्मा वहां आ भी जाएगी यहां तक ठीक है लेकिन परमात्मा वहां पर आ जाए ये संभव नहीं है भले ही वो कितनी भी शुद्ध भावना से करे इसको शुद्ध भावना कहते ही नहीं है वो क्यों चाहती है माता ऐसा कि परमात्मा मेरे गर्भ में आ जाए प्रयोजन क्या है तो ये शुद्ध भावना है ही नहीं परमात्मा को वो अपने गर्भ में लाना चाहती है ये अज्ञानता से युक्त है। और क्यों चाहती है वो ऐसा उसके पीछे अपना उसका कुछ न कुछ स्वार्थ होगा जो वो सोच के कर रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो इन्होंने फिर आगे लिखा कि परमात्मा को प्राप्त करने हेतु कर्म को बता रहे हैं कि देखो माँ ने कर्म तो किया है तो कर्म का फल भी मिलना चाहिए तो परमात्मा को प्राप्त करने हेतु हे उस मातृशक्ति ने तब त्याग व संयम का पालन किया है इसलिए परमात्मा को आना चाहिए तब इन्होंने पीछे एक बात मेरी उद्धृत की कि बच्चे का भी आत्मा का भी कर्म होता है और माता पिता का भी होता है तो चलो माता का मान भी लिया जाए इनके अनुसार परमात्मा का कर्म परमात्मा क्यों आएगा दूसरी आत्मा आ रही है तो उसका अपना कर्म है परमात्मा का कौन सा कर्म है जो आएगा वो माता पिता का भी होना चाहिए तो नहीं आने वाली आत्मा का भी तो होना चाहिए तो परमात्मा का तो ऐसा कोई कर्म नहीं है वो तो निष्काम करता है इसलिए ये संभव नहीं है भावना में बहुत सारी बातें हमारे यहां प्रचलन में आ गई है अगला महिरा देव जी का प्रश्न है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसमें ब्रह्म तो रहता ही है शरीर में हम जीवित हैं तब भी ब्रह्म हमारे अंदर है परमात्मा क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है कण कण में व्याप्त है तो हमारे शरीर में भी है जीवित में भी था और जब हम मर जाते हैं तब भी हमारे शरीर में तो वो रहता ही है जैसे इन जड़ वस्तुओं में तथा उससे अलग हुई आत्मा उसमें भी ईश्वर था ठीक है ये भी बात कि जब शरीर में आत्मा थी तो आत्मा के अंदर भी परमात्मा था और जब शरीर का त्याग हुआ आत्मा इसको शरीर को छोड़ के चली गई शरीर मर गया आत्मा दूसरी जगह तो अब भी उस आत्मा में तो परमात्मा है क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है तो आत्मा में भी है और शरीर में भी है यहां तक ठीक हो गया इनका प्रश्न है कि तो इंसान के मरने का कारण क्या है एक प्रश्न कई बार आता रहता है कि भाई जब परमात्मा सब में है चेतन तत्व है तो फिर तो मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए ये शरीर चेतन क्यों है हम जीवित क्यों हैं उसका यही तो उत्तर देते कि चूंकि इसमें चेतना है क्योंकि इसमें आत्मा है तो चलो जब मर गया, गया कोई आत्मा तो निकल गई लेकिन परमात्मा तो अभी भी है तो, तो अभी भी तो चेतन होना चाहिए ये इस तरह का प्रश्न आता है जड़ वस्तुओं भी तो चेतन होनी चाहिए इसमें भी तो चेतन तत्व है इस शरीर ही क्यों सक्रिय होता है जीवित होता है जीवन की क्रियाएं होती है जिसमें चेतना है ये जड़ वस्तुओं में भी तो चेतन तत्व परमात्मा है ये क्यों नहीं सक्रिय हो जाते इनमें जीवन क्यों नहीं आ जाता तो ये जो जीवन चलता है ये आत्मा के कारण से चलता है आत्मा के लिए है ये परमात्मा के लिए तो ये शरीर है ही नहीं परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है न तो ये शरीर है और न ये सारा ब्रह्मांड सारा जो भी बना हुआ है जड़ जगत वो परमात्मा के अपने लिए तो है ही नहीं वो तो अकाम है वो कहीं से कमी ही नहीं है उसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है ये सब तो जीवों के लिए ही है इसलिए जब कोई जीव शरीर में आता है तभी वो जीवन कहलाता है और जब जीव उससे निकल जाता है तो मर मरा हुआ कहलाता है भले ही परमात्मा उसमें विद्यमान हो तो इंसान के मरने का कारण क्या है तथा इंसान की मृत्यु आत्मा परमात्मा की अपनी व्यवस्था के कारण होती है दोनों व्यवस्थाएं हैं आत्मा जब तक है यहां पर स्वाभिमानी आत्मा तब तक हमारा जीवन चलता है परमात्मा जब कर्मानुसार शरीर से बाहर उसको ले जाता है दूसरे जन्म के लिए तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा इसमें काम नहीं चलेगा ये परमात्मा की भी व्यवस्था है और आत्मा का होना भी इसके लिए आवश्यक है जिसके कर्म है तो इनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं क्या है वो मैंने आपके सामने रखी दिया तो आज इतना ही रखते हैं प्रणव तो